तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश फ्री टैबलेट योजना के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रस्तावित है। तो दोस्तों, जो नई अपडेट्स आई हुई हैं अभी, हम उस नई अपडेट्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के डायरेक्टली हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा कि दोस्तों आप डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, ये न्यूज़पेपर में दिया गया है, यूपी सरकार 12वीं में 65% से ज़्यादा नंबर लाने पर छात्र छात्राओं को मुफ्त में टैबलेट देगी। योगी सरकार फ्री टैबलेट योजना की तैयारी पूरी कर दी है। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी के निर्देश के बाद यूपी के सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए सभी जिलों के तहसीलों में सेंट्रल स्टोर बनाने की तैयारियां जल्द शुरू हो जाएंगी, ठीक है। दोस्तों, प्रदेश में युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के लिए 4700 करोड़ रुपए का टेंडर दिया गया है। दिसंबर के पहले हफ्ते तक ये जारी कर दिया जाएगा। बता दें, वर्क ऑर्डर 2500 करोड़ रुपए में खरीदे जाएंगे और टैबलेट 2200 करोड़ में खरीदे जाएंगे, ठीक है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना के तहत 12वीं में 65% से अधिक अंक पाने वाले को बटने वाले टैबलेट के लिए जिलों में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके साथ ही 1% टैबलेट की रैंडम चेकिंग की जाएगी। हर जिले में टैबलेट पाने वाले छात्रों की संख्या लाखों में होने कारण अभी से अधिकारी तैयारियों में जुट गए हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आपको मैं बता दूं, इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है, डीजी शक्ति पोर्टल। इस पोर्टल में स्टूडेंट्स के डेटा को स्टोर किया जाएगा और उसके आधार पर डिवाइसेस वितरण किए जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रैंडम जांच जैसी विधियों का प्रयोग करके काफ़ी ट्रांसपेरेंट, काफ़ी पारदर्शी तरीके से इस योजना को सफल बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ क्या लिखा गया है कि यहाँ 4 तहसीलों में बनाए गए सेंटर स्टोर की रखवाली सीसीटीवी और पुलिस कर्मियों के जरिए की जाएगी। साथ ही टैबलेट आने के बाद इनकी रैंडम जांच की जाएगी। युवाओं में तकनीकी सशक्तिकरण के लिए राज्य शासन ने टैबलेट स्मार्टफोन देने का निर्णय लिया है। इसको लेकर कॉलेजों में शैक्षणिक संस्थानों से ऑनलाइन फॉर्म फीडिंग कराई जा रही है। बता दें कि महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया जाना है। अपर जिलाधिकारी भू राजस्व रजनीश राय ने बताया कि दिसंबर के पहले सप्ताह में चीज़ें स्पष्ट की जाएंगी। राय ने बताया कि टैबलेट स्टोरेज के लिए स्ट्रांग रूम तहसील किराकत, ये जौनपुर की बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पे किराकत मछली शहर मड़ियाऊ सदर में बनाए जाएंगे, जहां सीसीटीवी गार्ड की व्यवस्था करने का निर्देश उप जिलाधिकारी को दिया गया है। टैबलेट वितरण के लिए प्रत्येक स्कूल में नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। मतलब प्रत्येक स्कूल में नोडल अधिकारी होंगे, जहां डिवाइसेज स्टोर किए जाएंगे वहां अच्छे तरीके से गार्ड की व्यवस्था, सीसीटीवी व्यवस्था की जाएगी, ताकि सब कुछ पारदर्शी तरीके से अच्छे से संचालित हो सके और इस योजना को सफल बनाया जा सके, ठीक है दोस्तों। तो ये देख के तो आपको यहाँ तक अंदाज़ा लग ही चुका होगा कि स्मार्टफोन टैबलेट प्रक्रिया को बड़ी बखूबी से और बड़ी पारदर्शी तरीके से सफल बनाने की कोशिश किया जा रहा है। बाकी दोस्तों, कोई न्यू अपडेट आती है तो हम आपको ज़रूर इंटीमेट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।